चलता है उसी सिलेबस के बेस पर हम लोग जो है यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो जो मॉक है ये इसका जो पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका पूरा नाम है। तो मॉक जो है अपने आप में एक ऑनलाइन कोर्स है। मॉक क्या है? अपने आप में एक ऑनलाइन कोर्स है। अब पूरा नाम अगर आता है तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स बोला जाता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है मॉक का पूरा नाम है। और यह जो है ऑनलाइन कोर्स है और विभिन्न भाषाओं में यह कोर्स है। ये जो कोर्स है इसमें मॉक में विभिन्न विभिन्न भाषाओं में इसमें ये है। अब बात करते हैं मॉक के इतिहास की। थोड़ा इसके इतिहास के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मॉक शब्द आया कहाँ से। तो सर्वप्रथम जो मॉक शब्द है ये 2008 में प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड विश्वविद्यालय के जो है डेव कोल मियर ने जो है इसकी उत्पत्ति की थी या इस शब्द का प्रयोग किया था मॉक शब्द का, जिसका पूरा नाम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ये याद रखना मॉक भी जो है एक ऑनलाइन कोर्स है जी। अब बात करते हैं मॉक का जो पुराना नाम है क्या था। तो मॉक का जो पुराना नाम था कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज। कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज इसका पूरा नाम था। साथ ही साथ इसे CCK01 के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे CCK01 के नाम से भी जाना जाता है मॉक को। ये बात आपको याद रखनी है। और जो है इसी मॉक को जो है न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा वर्ष 2008 में जो है मॉक वर्ष के रूप में मनाया था। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वर्ष 2012 को जो है ये मॉक वर्ष के रूप में क्यों मनाया, क्योंकि इसमें जो है तीन कंपनियां जुड़ती हैं। तो उन कंपनियों का नाम है उडासिटी, EDX और कोर्सेरा। उडासिटी, EDX और कोर्सेरा तीन कंपनियां जुड़ी 2012 में। तो इसीलिए उडासिटी, EDX और कोर्सेरा तो इसीलिए जो है इन्होंने मॉक वर्ष टाइम्स टाइम्स जो है न्यूयॉर्क टाइम्स है इसने मनाया था। तो ये बात थी हमारी जो है मॉक के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के बारे में। और साथ ही साथ ही जो है एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम इसमें होता है। और इसमें यहाँ पर जो है टाइमिंग की कोई भी जो है बॉन्डिंग नहीं है। आप एनी टाइम जो है यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। इससे पहले हमने स्वयं परवा पढ़ा था तो वहाँ पे जो है हमने पढ़ा था 4 घंटे में जो सिलेबस है उसको पढ़ाया जाता है और उसके बाद 20 घंटे जो होता है वो रिवाइज होते जाता है। लेकिन यहाँ पे समय की कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। आप कभी भी किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो कोर्स आप कर रहे हैं, कोर्स तो फ्री है, अगर जो कोर्स आप कर रहे हैं उस कोर्स का अगर आपको प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ शुल्क अदा करना पड़ेगा इस मॉक के लिए। और साथ ही साथ जो यहाँ पर रिजल्ट आता है वो परिणाम जो आता है वो ग्रेडिंग बेस सिस्टम पे आता है, यानी ABC करके वो ग्रेड दिए जाते हैं। तो उस ग्रेडिंग बेस पे जो है यहाँ पे परिणाम को जारी किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके उपयोग की कि हम इस मॉक को जो है कैसे उपयोग करें। मैसिव ओपन ऑनलाइन एग्जाम जिसका नाम है, सॉरी ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है मॉक का जो है पूरा नाम है। तो इसका उपयोग हम लोग कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। 5 स्टेप होते हैं। स्टेप पहला है, सबसे पहले हमें अपना मंच चुनना होता है। मंच बोले तो जैसे कि हमारे हम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या पीजी में जब हम जाते हैं तो डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं, आर्ट के अलग, साइंस के अलग, कॉमर्स के अलग। तो वही आपको यहाँ पे चुनना है। सबसे पहले अपना मंच चुनना है। मंच का मतलब ये आर्ट फैकल्टी या साइंस या कॉमर्स जो भी आपको चुनना है, मैनेजमेंट जो भी आपको चुनना है, स्टेप फर्स्ट हुआ होगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में
फिर आप आएंगे तो वहां पर आपको अपना खाता बनाना होता है, अकाउंट। तीसरा स्टेप जो होता है, वहां पर आपको कोर्स जो है सेलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा कोर्स आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको दाखिला लेना होता है चौथे स्टेप में, यहाँ पर आपको डेट टाइम और आपकी जो शेड्यूल है वो सब दिखा दिया जाता है कि कितने टाइम पीरियड तक और कौन से टाइम में आपका कोर्स चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ जो कोर्स है, इस कोर्स को आप डेस्कटॉप में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, और स्मार्टफोन के माध्यम से आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं जी। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की, इसमें क्या विशेष है। तो यहाँ पर जो है आपको लेक्चर, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो व्याख्यान द्वारा पठन सामग्री भी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर मंथली और वीकली जो है टेस्ट भी होंगे, मंथली और वीकली टेस्ट भी होंगे, और टेस्ट भी होंगे। टेस्ट इन द सेंस जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद उसका टेस्ट होगा, वो भी होगा, मंथली और वीकली टेस्ट भी यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ एक अंतिम जो परीक्षा होती है वो लास्ट में फाइनल एग्जाम वो भी होगा। तो ये था मॉक की विशेषता। अब बात करते हैं इसके कोर्स की। तो इसमें तीन टाइप के कोर्स हैं, अंकेक्षित पाठ्यक्रम, प्रमाणित पाठ्यक्रम और विशेषज्ञता। अगर हम अंकेक्षित पाठ्यक्रम की बात करें कि आपने किसी दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई किया है, हालांकि आप किसी दूसरे कोर्स के बारे में भी जानकारी चाहते हैं, तो जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ उसके जानकारी आप यहाँ पे ले रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र आप लोगों को दिया नहीं जाएगा, प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो यही जो है अंकेक्षित पाठ्यक्रम है। अगर बात करें हम प्रमाणित पाठ्यक्रम की, यानी कि जिस चीज के लिए आपने वहाँ पे इनरोल किया हुआ है, जिस कोर्स के लिए आपने इनरोल किया है, अगर आपको उसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। अगर विशेषज्ञता की बात करें कि कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स आप करना चाह रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कोर्स आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको विशेष प्रमाण पत्र भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये इसके कोर्स की बात है। अब बात करते हैं प्रदाता, यानी कि इसके प्रदाता में अगर हम बात करें कि इसको चलाता कौन है, अगर भारत में मैं बात करूं तो भारत में स्वयं और MPTL ये जो है इसको चलाते हैं। तो स्वयं मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ स्वयं और MPTL ये दो वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं। तो स्वयं की फुलफॉर्म में आपको फिर से बता देता हूँ, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये हमारी स्वयं की फुलफॉर्म थी, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और बात करें NPTEL की, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ठीक हो गया। अगर हम बात करें हम तो प्रदाता में, अगर मैं फिर से आपको बात करूं प्रदाता में, तो यहाँ पर इंडिया में जो है स्वयं और NPTEL जो इसको चलाती है। स्वयं की परिभाषा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये हमारी स्वयं की परिभाषा थी। साथ ही साथ NPTEL है तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, तो जो है भारतीय स्तर पे ये दो चलाती हैं स्वयं और NPTEL। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यहाँ पर Udacity, EDX और Coursera जो है ये दो, ये तीन जो है इनको चलाती है। अगर बात करें इसकी स्थिति, इस मॉक की स्थिति, तो सबसे पहला स्थान इसमें USA अमेरिका का है 19% के साथ, पहले दूसरे नंबर पर हमारा देश भारत है 12% के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा जो आने वाला